أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين. बच्चे कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर देन बाकी पोर्शन कंपनीज एक्ट का जो रह गया वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 से ही हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, मेंशन भी कर लीजिएगा. रिक्वायरमेंट क्या है? इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक डिस्कस करना है आपने. क्या आया ये जो ऊपर फर्म्स का जिक्र किया गया है उनको हम अपॉइंट कर सकते हैं WBL के ऑडिटर के लिए? ऊपर तीन फर्म्स का जिक्र कर दिया उसने और आपने हर फर्म्स के अकॉर्डिंगली बताना है क्या ये फर्म्स WBL की ऑडिटर के लिए अपॉइंटमेंट हो सकती है इन फर्म्स की या नहीं हो सकती, या किस किस फर्म्स की हो सकती है, कौन कौन एलिजिबल है. तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेल्दी बैंक लिमिटेड WBL कंसीडर कर रहा है कि अपॉइंट हो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए ईयर एंडिंग 30 जून 2020 के लिए. WBL हैज शॉर्ट लिस्टेड द फॉलोइंग 3 ऑडिट फर्म्स. अब WBL को अपॉइंट करना है एक्सटर्नल ऑडिटर, उसने शॉर्टलिस्ट किया कि मैंने इन तीन फर्म्स में से किसी एक फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट करना है. 1, 2 and 3 ये तीन फर्म्स उसने शॉर्टलिस्ट कर ली है. एंड हैज प्रेजेंटेड सर्टेन मैटर्स रिलेटिंग टू ईच ऑफ देम फॉर योर कंसीडरेशन, और उनसे रिलेटेड तीन मामलात आपको उन्होंने बता दिए ताकि आप उसे कंसीडर करें और उसके बाद बताएं क्या इनके अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती. पहली बात, राव आरिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये एक फर्म है. फर्म हैज रिसेंटली एडमिटेड अ न्यू पार्टनर. फर्म में अभी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, एडमिशन हुआ उसका, who worked as CFO, जो काम कर चुका है CFO की पोस्ट में June 2017 में. यहां तक बात क्लियर हो गई? Of Noor Engineering Limited, जो के सब्सिडरी है WBL की. बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब जरा आपने गौर से सुनना है, यहाँ पे जितनी कंफ्यूजन हैं वो मैं सारी कंफ्यूजन आपकी दूर करूंगा, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. WBL उसके एक सब्सिडरी है नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि क्या है, सब्सिडरी. राव आरिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका एक पार्टनर नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड में CFO रह चुका है. कब? 2017. ये बात क्लियर होगी?
WBL के लिए अपॉइंटमेंट करनी है 2022 के ऑडिट के लिए। याद रखिएगा किस ऑडिट के लिए, 2020 के लिए। 2020 के ऑडिट के लिए WBL के एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होनी है। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं 2020 के लिए। 2020 लेट्स सपोज 2020 यकम जुलाई 2019 से साल शुरू हुआ और खत्म कब हो रहा है, 30 जून 2020 पे। ऐसा ही है, इस साल का ऑडिट करना। और आपको पता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम पे होती है, वो एक एजीएम से दूसरी एजीएम तक ऑफिस को होल्ड करेगा। अब इस रिपोर्टिंग डेट से करीब करीब 120 दिन के अंदर अंदर एजीएम होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा डेट भी हुई तो क्या डेट होगी, 27 अक्टूबर 2019 होगी। ऐसे ही है ना। अब ये साहब 2017 में किस पोजीशन पे रह चुके हैं, सीएफओ कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करता है या नहीं करता, करता है ना। कंपनीज एक्ट 2017 में हमने ये बात पढ़ी है, डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय जो के who held these positions during the last 3 years, बताएं ये 2019 और 2017 तीन साल की मुद्दत अभी लैप्स नहीं की। ये बात क्लियर हो गई ना, अभी तीन साल की मुद्दत लैप्स नहीं की, तो इसका मतलब है वो तीन साल के अंदर अंदर पोजीशन होल्ड करे हुए था, किसकी, एम्प्लॉय की या ऑफिसर की। यहां तक बात क्लियर हो गई, पहली बात। इसका मतलब है वो पर्सन एनईएल, अगर वो पार्टनर एनईएल के लिए डिस्क्वालीफाई है तो पूरी फर्म ही क्या हो गई। कल हमने रूल पढ़ा, अगर फर्म का एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई हुआ तो पूरी फर्म क्या होगी, डिस्क्वालीफाई। इसका मतलब वो एनईएल का ऑडिटर अपॉइंट, अगर कोई सब्सिडियरी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता तो वो उसकी होल्डिंग का भी ऑडिटर अपॉइंट, वो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब दो बातें अलहदा-अलहदा से समझ में आ गई। पहली बात हमने ये सीखी कि तीन साल के अंदर अंदर अगर आप किसी भी टाइम पे कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आप कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, और अगर आप किसी कंपनी के सब्सिडरी के लिए डिस्क्वालीफाई तो उस सब्सिडरी की होल्डिंग के लिए भी क्या है, डिस्क्वालीफाई। अब बात क्लियर हो गई यहां तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहां तक समझ आ गई ये सब बातें। तो इसका मतलब आप मुझे बताइएगा, राव आरिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ WBL। तरीकेकार वही रहेगा हमारा, पहले प्रोविजन, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे रिलेशनशिप, और थर्ड वन पे हमने क्या कर देना है, डिसीजन। रीडिंग करूं इसकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसंट्रेट कीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह आप सब लोगों को जरूर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। अब आप देखिएगा ये सवाल, हर सिचुएशन में एक मार्क मिलेगा फॉर मेंशनिंग द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, और एक मार्क मिलेगा फॉर कंक्लूडिंग वेदर द फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर या नहीं। अब एग्जामिनर कमेंट्स हैं, एग्जामिनीज फेल टू रियलाइज दैट सीएफओस 3 इयर्स कूलिंग ऑफ। अच्छा, अब ये जो कूलिंग ऑफ का वर्ड है ना, ये यूज नहीं करना चाहिए था आईकैप को, बट बहरहाल मैं फिर भी आपको बता देता हूं, ये वर्ड यूज हुआ हुआ है कोड ऑफ एथिक्स के अंदर, ये कंपनीज एक्ट 2017 में यूज ही नहीं हुआ होगा, और उससे भी बड़ा जुल्म
ये तो एग्जामिनर कमेंट्स है ना, ये तो वैसे समझाने के लिए। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ये जो वर्ड यूज हुआ हुआ है जिस एरिया में, वो आपसे रेलिवेंट ही नहीं है, वो सी फैप 6 में जाके आप पढ़ेंगे कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है। मैं बहरहाल आपको वर्ड बता देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कमेंट्स अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जरूरी है। कूलिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज उस्मान साहब एक कंपनी के ऑडिटर, एक कंपनी के ऑडिटर, और पिछले 5 साल से ये कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। जैसे ही 5 साल की मुद्दत पूरी हो गई, अब ये रिटायर हो गए, कितनी मुद्दत तक ये दोबारा कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, उस पीरियड को हम कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। समझ आ गई बात? अब वो कंजेक्टिव जितनी मुद्दत तक एक कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, उस पीरियड को कोड ऑफ एथिक्स ने क्या बोला? कूलिंग ऑफ पीरियड, कि भाई आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक हो गया। अब यहां पे ये भी वर्ड बोला गया, क्या मतलब है? वो भाई साहब 3 साल की मुद्दत जब तक पूरी नहीं हो जाती, वो कौन सा पीरियड चल रहा है? कूलिंग ऑफ पीरियड। समझ आ गया? वो कूलिंग ऑफ पीरियड है, इसका मतलब इस दौरान आप कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अब बात क्लियर है? एग्जामिनर कमेंट समझ में आ जाएगा, आप बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं हमें। कूलिंग ऑफ पीरियड हैड नॉट लैप्स्ड, और वो कितना पीरियड है? 3 साल की मुद्दत, और वो किन के लिए? 3 लोगों के लिए। कौन कौन से 3 लोग? डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय। एंड देयरफॉर राव आरिफ एंड कंपनी कुड नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ WBL। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इससे अगला वाला एग्जामिनर कमेंट्स अगले वाले पोर्शन का, मैं उसकी रीडिंग नहीं कर रहा हूं। राव आरिफ एंड कंपनी, अब देखिएगा ये सबसे पहले प्रोविजन का जिक्र करने लगा यहां पे। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, एक पर्सन अगर वो है एग्जिस्टिंग या किसी भी वक्त रह चुका था पिछले 3 सालों में कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय, वो इस काबिल नहीं है कि उसको अपॉइंट किया जा सके कंपनी का ऑडिटर। इससे भी बढ़के अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाई हुआ ऑडिटर बनने के लिए किसी भी कंपनी के लिए, तो वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा उस कंपनी की सब्सिडरी के लिए भी और उसकी होल्डिंग के लिए भी। ये सिर्फ किसकी बात जिक्र की अभी तक? प्रोविजन की। अब रिलेशनशिप, बीइंग फॉर्मर सीएफओ ऑफ WBL सब्सिडरी, क्योंकि वो WBL की सब्सिडरी का क्या रह चुका हुआ है? सीएफओ, एम्प्लॉय रह चुका है या ऑफिसर है, तो इस वजह से क्या वो एलिजिबल है? वो अपॉइंट हो सकता है ऑडिटर? नहीं हो सकता, इन एलिजिबल है। बात क्लियर हो गई? रिलेशनशिप और कंक्लूजन कंबाइन हो गया। नहीं, 3 साल की मुदत, कूलिंग ऑफ पीरियड उसी को बोला ना हमने। जब तक के लिए वो उस कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई रहेगा, उतने मुद्दत के लिए वो उस कंपनी की सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाई रहेगा और उसकी होल्डिंग के लिए भी डिस्क्वालीफाई रहेगा, हमेशा के लिए नहीं। हाँ, वो 3 साल की मुद्दत। ये कूलिंग ऑफ पीरियड कौन सा है? 3 साल की। ठीक हो गया ना? ये देखें, ये बात हमने चैप्टर में भी पढ़ी, वहां से भी मैं आपको रेफर करवा देता हूँ। A person who is or at any time during the preceding 3 years was a director, other officer or employee of the company. 3 साल की मुद्दत के अंदर अंदर नहीं बन सकता। 3 साल की मुद्दत लैप्स कर गई, ऑडिटर अपॉइंट हो सकता। ठीक हो गया जी यहां तक? जी, कोई और सवाल? पहला पॉइंट क्लियर हो गया, समझ भी आई है अच्छे तरीके से? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछना चाहते हो? चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम सेकंड सिचुएशन डिस्कस करते हैं। कर रहा हूं जी सेकंड सिचुएशन डिस्कस।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हातिम तोलक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। वन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म हैज ऑब्टेन्ड अ लोन। हातिम तोलक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक पार्टनर ने कर्जा ले लिया है। किससे कर्जा लिया है? WBL है क्या और बैंक का काम क्या होता है? लोन प्रोवाइड करना। नॉर्मल उसकी ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने कर्जा दिया है, तो फिर मुझे बताइएगा क्या ये फर्म ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। बट अगर अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, फिर नहीं हो सकती। द फर्म हैज इन्फॉर्म दैट द पार्टनर वुड नॉट बी एबल टू रीपे द लोन टिल 2021। चाहे ना दे सके लोन, लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फिर ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर नहीं है। क्लियर हो गया जी? जी बिल्कुल। वो सिर्फ दो सिचुएशंस बताई हैं, एक में नंबर ऑफ डेज है 90 डेज यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर के केस में, और दूसरा क्रेडिट कार्ड इश्यूअर कंपनी के केस में। बस यहां तक बात क्लियर हो गई जी? इसका सॉल्यूशन भी साथ ही पढ़ लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हातिम तोलक एंड कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, अगर एक पर्सन जो कि मकरूज है कंपनी का, other than in the ordinary course of business of such entity cannot be appointed as auditor, other than होना जरूरी है तो फिर वो नहीं appoint हो सकता, since it is in the ordinary course of business। WBL का तो काम ही यही है कर्जे देना, तो उसने कर्जा ले लिया to grant loan, therefore Hatim Tolak and Company can be appointed as auditor of WBL के ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता? हातिम तोगलक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई मुश्किल बात तो नहीं है? एग्जाम में बैठ के ऐसी सिनेरियोस या क्वेश्चंस आएंगे तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से समझ के करना। नेक्स्ट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। राशिद क्रीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। राशिद पार्टनर है फर्म में, सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज, इसका जिक्र मैंने बड़ी दफा किया आप लोगों से, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं लाहौर में और वो किराए पे देता है। 5 प्रॉपर्टीज उसने किसको किराए पे दी हुई है? अब आप मुझे बताइएगा राशिद का WBL के साथ कौन सा रिलेशनशिप हुआ? शाबाश, एक्सीलेंट। कौन सा रिलेशनशिप है? बिजनेस रिलेशनशिप। शाबाश, कौन सा रिलेशनशिप बन गया? बिजनेस रिलेशनशिप। और अगर ये बिजनेस रिलेशनशिप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे है तो अपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन अगर अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है फिर नहीं हो सकती। यहां तक बात क्लियर होगी? देख लेते हैं इसको। और फिर वही बात, स्पेशल टर्म्स पे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे है वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं, इनएलिजिबल हो जाएगा। अ पर्सन या फर्म जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशनशिप है बिजनेस से रिलेटेड, वो नहीं अपॉइंट हो सकता ऑडिटर अगर उसका क्या मौजूद है? बिजनेस का रिलेशनशिप कंपनी के साथ, लेकिन वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉपर्टीज रेंट आउट की हुई है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो फिर राशिद क्रीम एंड कंपनी अपॉइंट हो सकती है, लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं हो, या वो इनएलिजिबल हो जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती फर्म की। बताइएगा कोई मुश्किल बात? स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जामिनर कमेंट्स में एक कमेंट रह गया, वो पढ़ता हूं मैं आपके साथ। एग्जामिनी डिड नॉट अप्रिशिएट दैट इट इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर बैंक टू ग्रांट लोन्स टू इंडिविजुअल्स, देयरफॉर मेंशनड इनकरेक्ट आंसर। कहते हैं एग्जामिनी को यही नहीं पता चला कि बैंक का काम ही कर्जे देना है, और जो बैंक का काम कर्जे देना है तो वो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाएगा, इसकी वजह से उन्होंने क्या आंसर दे दिया? गलत। गलत का क्या मतलब? इनएलिजिबल कह दिया उन्होंने, जबकि वो क्या था? एलिजिबल। समझ आ गई बात की? गलती तो नहीं होगी, रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए।
अगले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 मेंशन भी कर लीजिएगा बच्चे अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में दिया होगा, हो गया ना। दो तरीका का, अगर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर या रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट करना, दोनों का प्रोसेस पूछा हुआ इस सवाल में। अच्छा सवाल है, अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, रिटेन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसके साथ इंपॉर्टेंट लिखिएगा, जो क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ मेंशन करवा रहा हूं लाजमी उनको तैयार करते जाइएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखें इसके साथ, और आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है इसमें। आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे अटेम्प्ट कौन सी है, स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, 4 मार्क्स का है। 5 मार्च 2018 को HSBN कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ताहिल लिमिटेड। ताहिल लिमिटेड ने HSBN कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफर की कि आप हमारे ऑडिटर बन जाएं। ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2018। बात क्लियर है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग केस। TL सब्सिडरी है क्रिप्टो बैंक लिमिटेड की। TL किसकी सब्सिडरी है, विच इज ऑडिटेड बाय एन अदर फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके ऑडिटर ये नहीं है, कोई और है, या उसका ऑडिट कोई और फॉर्म कर रही है। अच्छा, ये तक तो इंफॉर्मेशन थी, कोई जरूरत नहीं, इससे अगली बात पढ़ते। हाथी में एक पार्टनर है HSBN का, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेके बैठा हुआ है, किस से, सब्सिडरी से, क्रिप्टो बैंक लिमिटेड से, सॉरी होल्डिंग से, होल्डिंग से, ताहिल लिमिटेड है सब्सिडरी। एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट इट ऑन 28 फरवरी 2018 वाज रुपीज 1.1 मिलियन। हमने पढ़ा था एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाई हुआ, पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई होनी है, याद है ना आपको, कोई मुश्किल बात तो नहीं। अब देखिएगा अगली स्टोरी क्या सुनाने लगा हमाद साहब, क्या कहता है, कहता है हातिम का प्लान है वो क्लियर कर देगा ये ड्यूज 30 जुलाई 2018 को, ऑडिट तो होने 31 दिसंबर में जाके, तो 30 जुलाई में जाके वो ड्यूज क्लियर कर देगा, 6 माह पहले या 5 माह पहले, कोई टेंशन की बात नहीं। विच इज वेल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ, बहुत पहले ऑडिट के शुरू होने से, बहुत पहले ड्यूज पहले ही सारे क्लियर कर देगा, टेंशन नहीं। एक्सपेक्टेड दैट ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटीज यकम नवंबर, ऑडिट का एक्टिविटीज या उसकी प्लानिंग कब शुरू होनी है, यकम नवंबर को। अब आपसे कहा जा रहा है कमेंट करें इस सिचुएशन को कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, क्या ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है या नहीं हो सकता। चले जी, मैं टुकड़ों में जवाब दूंगा, थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू तब दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, उस्मान साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस कर दिया। उस्मान साहब ने कहा जी देखें, ऑडिटर 5 मार्च 2018 को अपॉइंट होने लगा है और इस एजीएम से लेकर नेक्स्ट एजीएम तक इसने ऑफिस को होल्ड करना है। उसने बोला था अपॉइंटमेंट के टाइम पे उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहा ऑडिट शुरू करने से पहले। अपॉइंटमेंट कब होने लगी है, 5 मार्च को, तो एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसका बैलेंस किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 1 मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई मुश्किल बात तो नहीं। और दूसरी चीज, अगर होल्डिंग के लिए आप डिस्क्वालीफाइड हैं तो होल्डिंग की सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड, ताहिर लिमिटेड के भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। यहां तक दोनों बातें क्लियर हुई। हाँ, अगर ऑडिटर अपॉइंट होना चाहते हैं फिर आप क्या करें, अपॉइंटमेंट से पहले ही या अपॉइंटमेंट के टाइम पे, उससे पहले
क्या कर दें, अपने बैलेंस को रिड्यूस कर दें, किससे बिलो कर दें, 1 मिलियन से, फिर अपॉइंटमेंट हो सकती। और ये जो आप कह रहे हैं कि मैं ऑडिट शुरू होने से पहले 30 जुलाई में बैलेंस पे ऑफ कर दूंगा, ये रीजन वैलिड नहीं, क्योंकि ऑडिटर ऑफिस को होल्ड करेगा एक एजीएम से लेकर दूसरी एजीएम तक, तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये बैलेंस 1 मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा सवाल है ना, इसके साथ भी लिख ले रिवीजन लेवल क्वेश्चन और ये अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करता हूं। नहीं भेजे जी बच्चे, मैं इंशाल्लाह आज लास्ट में भेज दूंगा, आज मैं इधर ही हूँ कॉलेज में, ये मैं आपको शेयर करके फिर इंशाल्लाह जाऊंगा, ठीक है जी। कमेंट्स ऑन वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 3 मार्क्स और कंक्लूजन के कितने मार्क्स हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंक्लूजन फर्स्ट स्टेज पे मत दीजिएगा, गलती हो जाएगी आप लोगों से। अब एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं, जरा देखें कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई है। पहली बात तो ये कि हमने कहा कि ये मकरूज है, और मकरूज की डेफिनेशन में दो बातें हमने बोली कि दो लोगों को मकरूज नहीं समझा जाएगा, जिसने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ली और उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग 1 मिलियन से एक्सीड ना करता हो। ये बातें बताने लगे, कहते हैं इन पार्ट ए स्टूडेंट जनरली रोट करेक्टली दैट being indebted to the company disqualified a person from becoming auditor. अच्छा कहते ये बात तो बच्चों ने ठीक लिखी कि जो मकरूज होगा वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, एंड ऑल्सो मेंशन क्रेडिट कार्ड लिमिट के 1 मिलियन, बट मोस्ट स्टूडेंट्स रॉन्गली कंक्लूडेड, डिसीजन क्या दे दिया, गलत। अब डिसीजन अगर आपने पहले दे दिया ना तो वो अगली बातें नहीं फिर आपकी इफेक्ट करेगी, तो डिसीजन आपने सबसे एंड पे देना। दैट हातिम कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इफ ही क्लियर हिज ड्यूज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। बच्चों ने गलती क्या की, उन्होंने कहा अगर वो अपने ड्यूज कब दे दे वापस, 30 जुलाई पे कर दे तो वो वैलिड है और वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, ये गलत बात बोली उन्होंने, समझ आ गई ना, ये हम गलती कर रहे थे। अच्छा आप पढ़ते हैं सजेस्टेड आंसर। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड, एक पर्सन क्वालिफाइड नहीं होगा अपॉइंटमेंट के तौर पे ऑडिटर के, अगर वो मकरूज हुआ कंपनी का या उसकी होल्डिंग का या सब्सिडरी का, लेकिन वो हो कैसे, अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज, ये बात तो हमने पढ़ी हुई है। Further, a person who owes a sum of money not exceeding 1 million rupees, एक ऐसा person जिसने credit card की facility हासिल की है और उसका outstanding balance 1 million से ज्यादा नहीं है, उस बंदे को समझा ही नहीं जाएगा वो क्या है, मकरूज है। हातिम का plan है कि वो pay off कर देगा तमाम dues commencement audit से पहले, जो के valid नहीं है ये बात, क्योंकि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब हो रही होती है और वो ऑफिस को होल्ड करेगा उस एजीएम से अगली एजीएम की कंक्लूजन तक, ये बात क्लियर हो गई। अगर फर्म चाहती है कि वो अपॉइंट हो जाए ऑडिटर के तौर पे ताहिल लिमिटेड की, आतिम को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए उस अमाउंट को, क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को लेस देन 1, लेकिन किससे पहले, अपॉइंटमेंट से पहले, ये बात याद रखनी है, किससे पहले, पहले अपॉइंटमेंट से पहले। अब बताएं कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गई ये सब बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्वेश्चन 11। अब इसमें आप लोगों ने एक काम करना, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे जवाब देगा, मैं आप लोगों को 3 से 4 मिनट 5 मिनट दूंगा, अच्छे तरीके से आपने इस पे सोचो विचार करना है, डिस्कशन कोई नहीं, खुद से करना है, ठीक है, आपकी पर्सनल असेसमेंट जितना, हाँ बुक से आप हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन अपने साथ वाले से नहीं, अपनी
जो असेसमेंट है ना वो करो कि अंडरस्टैंडिंग हुई है कॉन्सेप्ट की या नहीं हुई, हमें कितनी और मजीद एफर्ट की जरूरत है या नहीं। ठीक हो गया जी, तो स्टार्ट करते हैं। कमेंट ऑन ईच, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग उनको डिस्कस करना। फॉलोइंग सिचुएशन विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, किसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक? कंपनीज एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसका पार्ट वन, बिलाल और कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफर हुई है कि वो अपॉइंट हो जाए ऑडिटर, किसके लिए? दाऊद लिमिटेड के लिए। यहां तक सिंपल सी बात, दाऊद लिमिटेड ने ऑफर किया बिलाल को कि भैया आप हमारे ऑडिटर बन। गालिब जो कि पार्टनर है बिलाल एंड कंपनी का, 1 लाख टीएफसी इसके डीएल में मौजूद है। कितने? 100,000 टीएफसी की इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई। बताइएगा जी, ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं? नहीं, सोचो विचार कर ले। आप किताब की हेल्प लेना चाहते हैं ले सकते हैं जी, 2-3 मिनट सोचिएगा, फिर मैं उसके बाद पूछूंगा। बिलाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको ऑफर रिसीव हुई है, किसने ऑफर की है? इसको ऑफर किया है जी दाऊद लिमिटेड ने कि आप हमारे ऑडिटर अपॉइंट हो जाए। अच्छा, बिलाल एंड कंपनी के एक पार्टनर जिनका नाम है गालिब, गालिब साहब ने डीएल के टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स बाय किए हुए, इन्वेस्टमेंट की हुई है इन टीएफसीज। अब आपने बताना है क्या गालिब डिस्क्वालीफाई होगा, और अगर गालिब डिस्क्वालीफाई हो गया तो बिलाल एंड कंपनी बी डिस्क्वालीफाई। ठीक हो गया जी? चले जी, बताइएगा साइम साहब। ठीक हो गया जी, एज पर कंपनीज एक्ट 2017 कैटेगोरिकली, जैसे मैंने कल भी बताया था, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब है टू बी स्पेसिफिक। उसने बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ना के बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट इन टीएफसीज। इसका मतलब है इस पे किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगर वर्ड बोला होता तो उस पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उस पर डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, आप करें या आपकी फर्म या जिस फर्म में आप पार्टनर है उसमें कोई और पार्टनर कर दे। ठीक हो गया जी, आप उस कंपनी में करें या उसकी एसोसिएटेड कंपनी में करें तो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई। ठीक हो गया यहाँ तक? तो बिल्कुल सही हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसका सलूशन भी मैं आपके साथ जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। जी ये देखिएगा जी, अब इसका मैं मार्किंग प्लान और एग्जामिनर कमेंट्स भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे पहले
कि आप अटेम्प्ट करने के बाद आप ये बातें पढ़ें, ये पहले ही बातें पढ़ लें ताकि आपको बताओ कि बच्चे क्या गलती करके आ रहे हैं और आपसे वो गलतियां नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। डिस्कशन ऑन वैलिडिटी या इनवैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 2017 दो नंबर का है और कंक्लूजन एक नंबर का था। अब एग्जामिनर कमेंट्स में क्या कहा है, पार्ट ए में सिर्फ 25% कैंडिडेट एक्सप्लेन कर पाए हैं कि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट शेयर्स नहीं होते और इसी वजह से उसकी अपॉइंटमेंट वैलिड होगी। 25% इसका क्या मतलब है, 75% ने गलत जवाब दिया है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 देर इज नो बार। नो बार का क्या मतलब है, नो रिस्ट्रिक्शंस, लिमिट ही कोई नहीं है बिलाल एंड कंपनी पे कि वो अपॉइंट हो एज ऑडिटर ऑफ डीएल एज होल्डिंग ऑफ टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट इन द ऑडिट क्लाइंट इज नॉट प्रोहिबिटेड। मना ही नहीं किया हुआ एज पर कंपनीज एक्ट 2017। ये बात क्लियर हो गई थी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक। चले जी बच्चे, इसका दूसरा पार्ट हम डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन एंड कंपनी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उस हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ हारिस लिमिटेड। किसने ऑफर किया, हारिस लिमिटेड ने ज़ैन एंड कंपनी को कि आप हमारे ऑडिटर अपॉइंट हो जाएं, आप हमारे ऑडिटर बन जाएं। इमरान पार्टनर है ज़ैन एंड कंपनी का और वो पार्टनर है प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का जो कि पार्टनरशिप फर्म है विच ओन्स 100,000 शेयर्स इन एचएल, जिसके शेयर्स किसमें मौजूद है, एचएल में 100,000 शेयर्स। जी फहद साहब क्या कहा आपने, इन एलिजिबल, कैसे, हमें जरा थोड़ा सा एज पर कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक पूरा डिटेल डिस्कस करके बताइए। चले अगर आप इतना जवाब दे गए ना फहद भाई, लेट्स सपोज ये 3 मार्क्स का है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ शायद 0.5 एग्जामिनर को तरस आ जाए तो वो 0.5 मार्क्स देते क्योंकि ये पूरी बात नहीं है आपने जो बताई। बिल्कुल ठीक है, हमें फिर पूरी बात बतानी है। अभी मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बाद सजेस्टेड आंसर मैं आपके साथ पढ़ूंगा। आपको सजेस्टेड आंसर की भी एक लाइन नजर आई थी अहमद भाई, पहली बात तो ये कि एज पर कंपनीज एक्ट 2017 अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में या उसकी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर डाले या फर्म में से कोई पार्टनर कंपनी में या कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर डाले तो वो कंपनी के लिए या उसके एसोसिएट कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। डायरेक्ट भी कर सकता है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में हमने कहा था स्पाउस या माइनर चाइल्ड। ये बात क्लियर है, तो इसका मतलब ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। हाँ अगर वो दो काम कर ले तो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये बात डिस्क्लोज कर दे और 90 डेज के अंदर अंदर शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दे। ये बात क्लियर है, ये एक्सेप्शन मौजूद है ना इसकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के केस में। क्या करे दो काम, पहले डिस्क्लोज करे और फिर कितने दिन के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करे। अब पढ़ू जी, चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कशन वैलिडिटी या इनवैलिडिटी अपॉइंटमेंट के लिए वही दो नंबर और एक नंबर कंक्लूजन के लिए। पोजिशन वॉज स्लाइटली बेटर क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स उनको पता था कि शेयर होल्डिंग ऑडिटर की चाहे एसोसिएट में हो वो भी नहीं होगा, एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं है। अब देखते हैं ज़ैन और कंपनी इन एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ एचएल क्योंकि इमरान पार्टनर है प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट जो कि शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं एचएल में और प्रोहिबिट किया हुआ है कंपनीज एक्ट 2017 ने। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल, अगर वो चाहता है एलिजिबल होना अपॉइंटमेंट के लिए उसको ये हकीकत बतानी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और कब डिस्क्लोज करनी है, अपॉइंटमेंट के वक्त, और उसके साथ ही साथ डिस्पोज ऑफ भी कर देने हैं, बेच भी देने हैं। कब बेचने हैं, 90 दिन के अंदर अंदर, तो फिर क्या बन जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, फिर अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर। अब बात समझ में आई,
आधा जवाब दे के आएंगे तो मार्क्स भी आधे मिलेंगे, पूरा जवाब दे के आना है पूरी प्रोविजन के साथ। हाँ, डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा तो डिसक्वालीफाई होगा, जैसे ही 90 दिन पूरे होंगे डिसक्वालीफाई, ऑफिस वकेट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी। जी बताइएगा कोई कंफ्यूजन। इंतहाई अहम सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी मैं आपको कहूंगा कि आप लोग मेरे साथ, जैसे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ये क्वेश्चन भी मेरे साथ आप लोग डिस्कस करके सॉल्व करवाएं तो आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दाऊद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने ऑफर रिसीव की अपॉइंटमेंट के लिए ऑडिटर के तौर पर जमील लिमिटेड की तरफ से। तो इसका मतलब जेएल ने ऑफर किया डीसी को कि आप हमारे ऑडिटर बन। वाइफ ऑफ दाऊद शेयर होल्डर है और डायरेक्टर भी है आरएल में। अब यहां तक सिनेरियो बनाते हैं हम, फिर उसके बाद बाकी बातें हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख देता हूं, याद रह जाएगा। दूसरी तरफ से जेएल कंपनी है, कंपनी ने ऑफर किया फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिट। दाऊद पार्टनर वाइफ शेयर होल्डर भी है और डायरेक्टर भी है, किसकी? आरएल की। आरएल एक कंपनी है। आरएल कंपनी में क्या है? शेयर होल्डर, पहली बात शेयर होल्डर, सॉरी शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर, ये याद रखनी है बात, ये दो बातें। अब आगे उसने तीन सिचुएशन बना दी, यहां तक सिचुएशन वही रहेगी। अब आगे तीन सिचुएशन, ये मैं पहली सिचुएशन सॉल्व करूंगा फिर सेकंड वन सिचुएशन पे आता हूं। पहली सिचुएशन में क्या कह दिया? कहा जी जेएल 51% शेयर होल्डिंग है इन आरएल। जेएल की 51% शेयर होल्डिंग किसमें है? आरएल के अंदर। जेएल की 51% शेयर होल्डिंग है, इसका मतलब है ये क्या बन गई? सब्सिडियरी। और ये क्या है? होल्डिंग। बात क्लियर है? अच्छा अब आप मुझे बताइएगा, अगर स्पाउस डायरेक्टर हो किसी कंपनी की तो वो कंपनी के लिए क्या एलिजिबल है कि वो पर्सन दाऊद साहब ऑडिटर अपॉइंट हो सके? और अगर दाऊद साहब खुद डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फर्म भी क्या हो गई? और अगर आप किसी की सब्सिडरी के लिए डिस्क्वालीफाई है तो उस कंपनी की होल्डिंग के लिए भी क्या हो गई? बताए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है? पहली बात समझ में आ गई, मुश्किल बात तो नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है? इतनी बात का सलूशन पढ़ के क्वेश्चन नंबर 21 ये, सॉरी 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका सलूशन पढ़ रहा हूं। जेएल होल्ड्स 51% शेयर होल्डिंग इन आरएल एज दाऊद और कंपनी इज नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड नहीं है, नहीं बन सकते फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ आरएल ड्यू टू डायरेक्टरशिप, किसकी वजह से? और वो शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, वो तो अप्लाई होना ही होना है, लेकिन यहां से डायरेक्टरशिप पे ज्यादा स्ट्रांग होगी बात। पार्टनर्स वाइफ इन आरएल,
DC cannot be appointed as auditor of any of its holding company JF. अगर आप DC, DC जो बन गया है वो किसके लिए डिस्क्वालीफाई हुआ? RL के लिए। अगर वो RL के लिए डिस्क्वालीफाई, तो उसकी होल्डिंग के लिए भी क्या है? डिस्क्वालीफाई। बताएं कोई कंफ्यूजन? एग्जामिनर कमेंट्स देखिएगा। परफॉर्मेंस रिमेंड एवरेज एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर ऑफ द व्यू दैट डायरेक्टरशिप एंड शेयर होल्डिंग इन सब्सिडरी इज नॉट रेलिवेंट। बच्चे क्या लिख क्या है कि अब वो सब्सिडरी का डायरेक्टर है ना, सब्सिडरी की डायरेक्टर है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, रहने दे, वो कंपनी के लिए एलिजिबल है। ये गलत बात है, ऐसी बात ठीक नहीं है, तो आप लोगों से ये गलती नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। अगला पॉइंट डिस्कस करें जी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड वन सिचुएशन में क्या कहा? जेएल इज एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ। अच्छा, अब ये सेकंड वन सिचुएशन से पहले हम इसकी एक दफा और कॉपी बना लेते हैं। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसोसिएट, आरएल एसोसिएट है किसकी? जीएल। आरएल एसोसिएट किसकी है? जीएल की। अच्छा, अब अगर एसोसिएट है जीएल की, तो डायरेक्टर वाली बात तो खत्म हो गई, अब बात सिर्फ किसकी रह गई? शेयर होल्डिंग की रह गई है। अब बात समझ में आई? अगर डायरेक्टली इसने इन्वेस्टमेंट की हो शेयर्स में, या इनडायरेक्टली इसकी वाइफ ने, या फर्म में से किसी भी पार्टनर ने की हुई, तो अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या उसकी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करें, तो आप उसके लिए भी डिस्क्वालीफाई हैं और इसके लिए भी डिस्क्वालीफाई। हाँ, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है अगर आप बनना चाहते हैं, और 90 डेज के अंदर अंदर आपको डिस्पोज ऑफ कर देना। डायरेक्टरशिप के लिए सिर्फ यही है कि डायरेक्टर, स्पाउस डायरेक्टर अगर है कंपनी की, फिर डिस्क्वालीफाई। एसोसिएट के लिए ये रूल अप्लाई, मैंने आपको समझाया था, 11 में से सिर्फ एक सिचुएशन एसोसिएट पे अप्लाई होती है, वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, बाकी कोई सिचुएशन अप्लाई नहीं होती। बात समझ आ गई जी? मैं आपके साथ सॉल्यूशन पढ़ने वाला हूं, जरा देखिएगा। डीएल इनएलिजिबल है कि वो ऑडिटर बने जीएल, क्योंकि स्पाउस ऑफ द पार्टनर होल्ड शेयर्स इन एसोसिएटेड कंपनी। However, since Dow's wife holds shares prior to appointment, appoint हो सकते हैं, उसके लिए आपको comply करना पड़ेगा ये दो बातों को। पहली बात क्या करें? Fact को disclose कर दें, और कितने दिन के अंदर अंदर dispose of कर दें, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? Eligible हो जाएगा। लेकिन ये directorship वाला rule इस पे apply नहीं होता, वो relevant ही नहीं है इसके लिए। अब बातें समझ में आ रही है ना? तो अब ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। आखिरी पॉइंट भी देखते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन ऑफ द डायरेक्टर इन जीएल आल्सो होल्ड 10% शेयर होल्डिंग इन आरएल। वन ऑफ द डायरेक्टर इन जीएल, जीएल का एक डायरेक्टर की कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है? तो इसका मतलब है ना रिलेशनशिप होल्डिंग और सब्सिडरी का, ना ही एसोसिएट, तो फिर तो मैटर नहीं करता। इस पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन एज पर कंपनीज एक्ट 2017 नहीं। बात क्लियर है? तो एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। जी ये सिचुएशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको जरा खुद से पढ़ें। दाऊद एंड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, क्योंकि इसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन ऐसी मौजूद नहीं। ठीक हो गया जी? हाँ, तो एक सिंपल सा सिनेरियो, कंपनीज एक्ट 2017 से रिलेटेड जो बाकी बातें रह गई हैं, कल इंशाल्लाह हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, कल इंशाल्लाह उनको मुकम्मल करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Thank you.